हेलो, सेकंड स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, वो किसके साथ यूज़ करेंगे वो टेबल्स आपको दिए थे ना। अब कुछ और आगे करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। ये नीचे के सेंटेंस जो हैं वो हमको केयरफुली यानी कि ध्यान से पढ़ना है। एंड लर्न, और सीखना है हाउ द वर्ब हैव इज यूज्ड एज अ मेन और प्रिंसिपल वर्ब टू इंडिकेट डिफरेंट मीनिंग्स। नीचे के ये सेंटेंसें हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कैसे वर्ब हैव है ना, वह कैसे वर्ब का यूज़ इधर किया गया है, यानी कि हैव कब यूज़ किया है, फिर अगर हैव पास्ट हैव कैसे यूज़ किया है, फिर हैज कैसे यूज़ किया गया है, हैड कैसे यूज़ किया है, फिर विल हैव कैसे यूज़ किया है, शैल हैव कैसे यूज़ किया है, वो सब हम देखते हैं। ये पढ़ेंगे फिर हमको पता चलेगा। अब देखो, इधर सेंटेंस और इधर है इंडिकेटेड मीनिंग्स। इंडिकेटेड मीनिंग्स यानी कि जहाँ पे इधर हमने हैज और हैव कुछ भी लिखा है तो वो किसके साथ जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। तो पहला है द काउ हैज टू हॉर्न्स। क्या है? द काउ हैज टू हॉर्न्स। अब हॉर्न्स क्या है? सिंग होते हैं ना गाय के, उसके बारे में। तो द काउ के दो सिंग, काउ के पास दो सिंग होते हैं। तो ये हॉर्न क्या है? वो क्या है, पार्ट ऑफ द बॉडी है ना, एनिमल की बॉडी का ही पार्ट है ना हॉर्न, वैसे ही। द गर्ल हैज ब्लू आइज। तो ये आइज भी क्या है, बॉडी का पार्ट है। अब देखते हैं तीसरा, द टेबल हैज फोर, द टेबल हैज फोर लेग्स। टेबल, टेबल के कितने लेग्स होते हैं? फोर लेग्स। तो टेबल क्या है, थिंग है ना। द हाउस हैज टू फ्लोर्स। तो ये हाउस और फ्लोर्स वो भी थिंग ही है, ये लेग भी थिंग ही है। कैसे? क्योंकि टेबल के पैर हमारे जैसे नहीं होते, वो भी लकड़े के, तो टेबल के लेग्स भी कैसे होते हैं, थिंग है ना। फिर है, इसलिए लिखा है इधर पार्ट ऑफ अ थिंग। बंटी हैज अ नाइस डॉल। तो बंटी के पास एक अच्छी सी डॉल है, तो वो डॉल किसकी है, बंटी की। तो बंटी उसका क्या हुआ, मालिक हुआ ना। इस डोल आपकी और मेरी नहीं है, हम ले भी नहीं सकते, पर ये डोल किसकी है, बंटी की। तो वो ओनरशिप दिखा रहा है कि जिसकी जो चीज़ है वो है ना, पोजेशन। यानी कि ये डोल किसकी है, बंटी की है। आई हैव अ स्कूटर। अब स्कूटर किस लिए काम आता है, फैसिलिटी देता है ना। स्कूटर से, स्कूटर होता है तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, साइकिल हो, कोई भी व्हीकल हो, वो व्हीकल सारे किस लिए होते हैं, फैसिलिटी के लिए। मनु हैज टू सिस्टर। तो मनु की दो बहनें हैं, ऐसे हम बोलते हैं मनु हैज टू सिस्टर। तो मनु की दो बहनें हैं। केतन हैज मैनी फ्रेंड्स। केतन के पास या केतन के बहुत सारे फ्रेंड हैं। तो इधर सिस्टर है तो कौन सा रिलेशन हुआ, ब्लड वाला रिलेशन, और फ्रेंड है वो कौन सा रिलेशन आता है, सोशल रिलेशन है ना। सिस्टर हुआ ब्लड वाला रिलेशन और फ्रेंड्स हुआ सोशल रिलेशन। फिर है सी हैज ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हर फादर। सी मतलब किसी लड़की की बात कर रहे हैं कि
अपने पिता के लिए उसको बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट है, अपने पिता के लिए उसको बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट है, उसको मतलब शीप। तो इधर ये लव, प्यार होना, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान देना, वो क्या है? वो है फीलिंग है ना। टुमोरो वी शैल हैव अ नाइस टाइम एट द पिकनिक। अब आने वाले कल, टुमोरो क्या होता है? आने वाला कल। तो वी शैल हैव अ नाइस टाइम एट द पिकनिक। तो टुमोरो पिकनिक में हमारे पास अच्छा टाइम रहेगा, है ना। टुमोरो वी शैल हैव अ नाइस टाइम एट द पिकनिक। पिकनिक में हमारे पास कल पिकनिक में हमारे पास अच्छा सा टाइम रहेगा। ममता हैड पेन इन हर स्टमक। तो ममता के पेट में, स्टमक में यानी कि पेट में उसे बहुत ही पेन कर रहा था। ममता हैड पेन, है ना, ममता को पेन हो रहा था उसके स्टमक में। तो वो सफरिंग, वो दुख में थी, सफर कर रही थी क्योंकि उसको पेन हो रहा था। द चाइल्ड हैड मलेरिया। तो बच्चे को मलेरिया था। हेड का यूज होता है था में। बच्चे को मलेरिया था, वो भी, अब जब मलेरिया बुखार होगा तो क्या पेन ही होगा, इलनेस, वो सब सफरिंग, पेन, इलनेस, इस तरीके का मेंशन किया गया है इसमें। फिर इधर फीलिंग, फीलिंग कौन कौन सी होती है? जॉय की होती है, सोरो की होती है, अफेक्शन, एक तरीके का लगाव, अफेक्शन होता है एक तरीके का लगाव। तो ये था। अब इधर है एक्सरसाइज, उसमें है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ बी और हैव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब नीचे जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें वर्ब बी के फॉर्म्स हमको लिखने हैं, ठीक है। बी के फॉर्म कौन से हैं? वो, और हैव के फॉर्म कौन से हैं? हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव। बी के एम इज आर, वॉज, वेर, फर्स्ट। ही डैश अ वेरी रिच मैन नाउ। अब इधर नाउ कहा है तो हम क्या लिखेंगे? अभी की बात कर रहे हैं तो अभी के लिए हम लिखते हैं इज। ही डैश थ्री बिग शॉप्स इन द सिटी। तो उसके पास तीन बड़े शॉप हैं सिटी में। क्या? उसके पास तीन बड़े शॉप हैं सिटी में। तो पास होगा तो वो क्या होगा? हैज। ही के साथ हम क्या लिखते हैं? हैज, ओके। सी डैश एब्सेंट यस्टरडे। अब यस्टरडे आया तो यस्टरडे क्या है? यस्टरडे क्या है? गया हुआ कल। तो वॉज, वे, सी वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज सी डैश फीवर। उसको फीवर था। हैड, था के लिए यूज होगा हैड। थर्ड, टुमोरो डैश माई एट बर्थडे। अब टुमोरो आने वाले कल की बात करें तो क्या लिखेंगे? विल बी। टुमोरो विल बी माई एट बर्थडे। मेरा एट वाला बर्थडे होगा आने वाले कल में। वी डैश अ लॉट ऑफ फन एट द बर्थडे पार्टी। तो वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन एट द बर्थडे पार्टी, क्योंकि वो किसकी बात कर रहे हैं? आने वाले कल की। तो इधर भी लिखा विल बी और पार्टी में हम बहुत सारी मजा करेंगे तो विल हैव। आई डैश अ न्यू बाइसिकल फ्रॉम माय अंकल। तो मेरे पास, आई विल हैव यानी कि मेरे पास
मेरे अंकल से मिली हुई नई बाइसिकल मेरे पास होगी, ऐसा वो कह रहा है फ्यूचर के बारे में। फोर्थ, किंग दशरथ डैश थ्री क्वींस, तो किंग दशरथ की तीन रानी थी, थ्री क्वींस थी, तो हैज, क्योंकि दशरथ नाम है वो ही है इसलिए हैज आएगा। किंग दशरथ हैज थ्री क्वींस, देयर नेम्स नेम्स डैश कौशल्या सुमित्रा एंड कैकेयी, तो देयर नेम्स आर कौशल्या सुमित्रा एंड कैकेयी। और अभी हम लास्ट करेंगे सिर्फ ये फाइव वाली, द रोज डैश थ्रोन्स, तो रोज क्या है, इट हुआ ना, ये ही भी नहीं है शी भी नहीं है, क्या है इट, तो इट के साथ हम क्या लगाएंगे, हैस, द रोज हैस थ्रोन्स। इधर तक आज हमने इधर तक किया है, बाकी की ब्लैंक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।